मैं वहाँ पे कब तक रहता दूसरों की सक्सेस को देखते और मैं खुद हारता हुआ इतना मेहनत करने के बाद। सो मैं और मेरा दोस्त, मैं पैदल चला गया अपने बाइक लेने के लिए थोड़ा दूर। मैं उठा, मैं रूम में गया, मैंने खुद के फेलियर को एड्रेस किया, मैंने लिखा कि क्या रीजन से फेल होने के और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो ये वीडियो उन सारे मेंस फिजिक एंथुजियास्ट के लिए जिन्हें फ्यूचर में बॉडी बिल्डिंग या मेंस फिजिक कंपटीशन में पार्ट लेना है। इस वीडियो में मैं अपनी स्टोरी से आप सभी के साथ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जिससे आप अपनी वीकनेसेस पे काम कर सकोगे और खुद का बेटर वर्जन बन सकते हो। 19 जनवरी को मुझे पता चला कि मेरे टाउन में मेंस फिजिक और बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन होने वाला है। मैंने तैयारी शुरू कर दी, मैंने अपने वर्कआउट में चेंजेस किए, मैंने अपनी डाइट पीक वीक डाइट फॉलो किया एंड ऑन 19 फरवरी वॉज द शो डे। आई वॉज इन द टॉप 4 कंपेटिटर्स। फर्स्ट विनर था नितिन जो मेरा फ्रेंड है और सेकंड था एक भैया और ये दोनों मेरे ही जिम में आते थे। तो इतनी अच्छी फिजिक होने के बावजूद भी ऐसे कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से मैं अपने सेकंड कंपटीशन में भी विन नहीं कर पाया, उसे अब मैं शेयर करने वाला हूँ। नंबर 1, बीइंग टॉल एंड हैंडसम हैज़ कॉन्स। मेरा बॉडी वेट ऑन द शो डे था 57.5 kg, यूजुअली वो 60 kg रहता है, पर कॉम्पिटिशन आने से पहले मैंने फैट लॉस किया थोड़ा सा, दैट वॉज इट वॉज लो, उसकी वजह से वो थोड़ा कम था। मुझे फैट बर्न करना है क्योंकि जब मैं स्टेज पे जाऊंगा तो मुझे पता है बॉडी को एकदम एस्थेटिक और एकदम क्लीन लुक देना, तो सारी मसल्स विजिबल होने चाहिए। आई एम शोइंग यू माय फैट जो मैंने अभी अपने बैक में महसूस किया। दिस इज नॉट द मसल, दिस इज द फैट। नितिन का बॉडी वेट था 57 kg और आप देख सकते हो वो मुझसे मस्कुलर लग रहा है। क्यों? हाइट। हाइट कम होने से आपका मसल मास ज़्यादा दिखता है। फॉर मी, मेरी हाइट है 5.8 से लेके 9 फीट तक। सो अगर मुझे मस्कुलर दिखना है तो मुझे अपना वेट 70 kg तक लेके जाना पड़ेगा। सो आई फील्ड अ चैलेंज जब मैं कॉम्पिटिशन हार गया था क्योंकि इन दोनों की हाइट्स तो कम, इनके लिए ये बहुत ईजी था विन करना कॉम्पिटिशन अपने कम बॉडी वेट पर मेरे लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे सबसे पहले बहुत बड़ा बल्क करना पड़ेगा अराउंड 75 kg, फिर कट करना पड़ेगा 70 kg पर। सो अगर आप पतले हो और अगर आपकी हाइट 5'8" या 6 feet है तो आपको बल्क करना पड़ेगा तब तक जब तक आप मोटे नहीं हो जाते, फिर आपको कट करना पड़ेगा। सो यू कैन हैव योर ड्रीम मस्कुलर मेंस फिजिक। मुझे हमेशा मेरे कमेंट्स में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा वे प्रोटीन अच्छा है, कौन से ब्रांड वे प्रोटीन सबसे अच्छा प्रोवाइड करते हैं। सो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक सबसे बेस्ट वे प्रोटीन ब्रांड शेयर करूंगा जिसे मैं खुद कंज्यूम करता हूं। अगर आप जिम जाते हो, अगर आप वर्कआउट करते हो और आपको एक अच्छी फिजिक चाहिए, मस्कुलर फिजिक चाहिए, और अगर आप वे प्रोटीन यूज़ नहीं करते सो आपका जो भी प्रोग्रेस है, जो भी हार्डवर्क है, वो किसी भी काम का नहीं है। सो अभी मैं आप सभी के साथ एक वे प्रोटीन शेयर करता हूँ विच इज़ फ्रॉम द ब्रांड फास्ट एंड अप न्यूट्रिशन। इसके एक सर्विंग में आपको मिलेगा 24 ग्राम ऑफ क्लीन प्रोटीन, 5.5 ग्राम ऑफ नेचुरली अकरिंग BCAAs एंड 4 ग्राम ऑफ ग्लूटामाइन। इस वे प्रोटीन की क्वालिटी एकदम हाई क्वालिटी है बिकॉज इट इज़ मेड फ्रॉम दी हाई क्वालिटी ग्रास फ्रेड विच इज़ फ्रॉम यूरोप, और ये काउज को भी हाई क्वालिटी ग्रास फोडर्स देते हैं, दैट्स वाई इज़ द बेस्ट इन द क्वालिटीज़। ये आपको लीन मसल मास गेन करने में हेल्प करता है, ये आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करता है, ये आपके इंडोरेंस इंक्रीज़ करता है। इसमें नेचुरली डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो आपकी डाइजेशन सिस्टम को ईजिली इसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। आप इसे स्मूदीज, पैनकेक, ओटमील्स जैसे रेसिपी में भी यूज़ कर सकते हो। ये वे प्रोटीन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड से कर आता है और इस वे प्रोटीन में आपको 4 डिफरेंट फ्लेवर्स मिल जाएंगे जो आप चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको इस प्रोडक्ट पे 5-7% एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड टू परचेज दिस प्रोडक्ट आप डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले लिंक पर क्लिक करना, यूज़ माई कोड एंड गेट योर जर्नी फास्ट एंड अप विद फास्ट एंड अप न्यूट्रिशन वे प्रोटीन। पॉइंट नंबर 2, परफेक्ट पोजिंग प्रैक्टिस। मैंने स्टेज पे नोटिस किया कि मैं अपने एब्स को हर समय कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं रख सकता था, जो कि बहुत बड़ी पॉइंट होता है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के लिए। नितिन वॉज कॉन्ट्रैक्टिंग हिज एब्स ऑल द टाइम, मैं थोड़ा बहुत लूज कर रहा था। सो मुझे अपनी पोजिंग प्रैक्टिसेस जो हम पोज करते उसमें एक परफेक्ट वो जो एक स्टाइल होता है, वो जो एक होल्ड करने की पावर होती है हमारे एब्स और ऑल और शोल्डर्स मसल में, उसको इम्प्रूव करना है। सो दिस वॉज द पॉइंट नंबर 2 फॉर नॉट विनिंग। पॉइंट नंबर 3 है साइज। सो अगर आपकी हाइट है 5.8 से लेके 6 फीट तक सो आपको मसल मास ज़्यादा पुट ऑन करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा बल्कि दिखना पड़ेगा, वरना आप एक स्मॉल हाइट वाले किसी मस्कुलर एथलीट से हार जाओगे। जजेस ये रियलिटी को नहीं देखते कि जो हम जो मेरे जैसे गाइस रहते हो, इसलिए आपको बल्क करना पड़ेगा जब तक आप मोटे नहीं हो जाते। सो स्टार्ट बल्किंग फ्रॉम नाउ, और मैं अपने चैनल पर बल्किंग कॉन्टेंट लाता रहता हूँ, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। पॉइंट नंबर 4, स्माइल। मैं पर्सनली ज़्यादा स्माइल नहीं करता और मुझे उस चीज़ में इंप्रूव करना है। नितिन वॉज स्माइलिंग ऑल द टाइम, मैं स्माइल कर रहा था, पर मैं ऐसा पर्सनैलिटी मेरी कि मैं बहुत स्टोइक और स्ट्रेट फेस बनता हूँ, सो मैं ज़्यादा स्माइल नहीं करता, पर मुझे इसमें इंप्रूव करना है ताकि मैं जजेस को ज़्यादा नर्वस ना दिखूँ और मैं कॉन्फिडेंट दिखूँ। आई वॉज स्माइलिंग, पर कहीं ना कहीं वो जो एक ही वाली स्माइल होती है ना,
वो नहीं आ रही थी, आई वाज जस्ट स्माइलिंग लिटिल बिट। तो उस चीज़ में भी इम्प्रूव करना है। सो अगर आप ऐसे हो तो स्माइल करने की प्रैक्टिस करो हर रोज़। आप उस कॉम्पिटिशन या अपने बेस्ट वर्जन बनने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ की। सो ये कॉम्पिटिशन मेरे लिए एक लेसन की तरह था। जब विनर्स अनाउंस किए, जो दो विनर्स थे, सो वो सब चले गए स्टेज पे, उन्होंने अपना प्राइज लिया, उन्होंने अपने अवार्ड लिया और वो खुशी खुशी थे, वो हैप्पी थे। मैं उनके लिए हैप्पी था, पर मैं खुद के ऊपर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था कि मैं हार गया। सो मैं मुझे अपने फेलियर को फेस करना था, मुझे अपने फेलियर को एड्रेस करना था, क्योंकि मैं वहाँ पे कब तक रहता दूसरों की सक्सेस को देखते और मैं खुद हारता हुआ इतना मेहनत करने के बाद। सो मैं और मेरा दोस्त, मैं पैदल चला गया अपने बाइक लेने के लिए थोड़ा दूर, फिर मैंने अपनी बाइक ली, मैं घर गया, मैंने सोने की कोशिश की, मेरा मुझे हेडेक हो रहा था, पर मुझे नींद नहीं आई। मैं उठा, मैं रूम में गया, मैंने खुद के फेलियर को एड्रेस किया, मैंने लिखा कि क्या रीजंस थे फेल होने के और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो क्योंकि मुझे अपने मॉम डैड को भी बताना था कि रिजल्ट्स क्या आए शो का, इतनी मेहनत करने के बाद, पीक पीक करने के बाद, वर्कआउट करने के बाद, दिन रात इतनी मेहनत करने के बाद। सो हाँ, ये सब था क्यों, और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे अंदर का जो हसलर है, मेरे अंदर का जो बीस्ट है, वो ग्रेट फील कर सके, वो प्राउड फील कर सके। सो आई होप आपको इस वीडियो से सीखने मिला होगा, मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला अपने एक्सपीरियंस में, अपने एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ। एंड हाय गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना। मैं ऐसे ही बढ़िया वीडियोस लाते रहता हूँ, एंड आई विल बी कंसिस्टेंट फ्रॉम नाउ, सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।